गुड मॉर्निंग जी, सभी को मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे सुबह सुबह ही मैं डाल रही हूँ गेहूँ। आटा पिसवाना है तो फिर कल डालना था मुझे, लेकिन मैं भूल गई। तो फिर आज सुबह सुबह पहले यही काम करूँगी, क्योंकि फिर दिन में यही हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ, दुकान के कारण भूल जाती हूँ। देखो, घर का काम भी होता है और फिर दुकान का काम भी होता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने गेहूँ ऐसे ही रखी थी, अभी धोकर रखी थी, ये तो सूख चुकी है वैसे तो, लेकिन फिर भी अभी मुझे डालने का टाइम ही नहीं लग रहा है। इसे थैले में डालकर रखूँगी जो बची हुई है, और साथ ही रात को कपड़े धुले थे तो वो भी उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर नीचे जैसे मैं चली जाऊँगी ना तो दुकान घर इसी में ही लगा रहता है, ऊपर आने का फिर टाइम भी नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे जो मेरे कपड़े हैं वो सूख चुके हैं, वैसे थोड़े बहुत मशीन में सुखा लिए थे रात को, और बाकी जो थोड़ी बहुत रहे हैं तो वो रात रात में ही सूख गए हैं। काफ़ी खुली जगह है यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे हमारा आना जाना भी नहीं है, सामान ऐसा ही पड़ा रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो बस कपड़े वगैरह मैं ऐसे ही फैला देती हूँ यहाँ पे, ऊपर तार वगैरह लगा रखी है, और काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जैसे बरसातों में ना कपड़े सुखाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन इसका मुझे काफ़ी फ़ायदा है। जब तक हम नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं तो ये वाला ठीक रहता है। मुझे यहाँ पे सामान वगैरह कुछ भी फैला रखो, क्योंकि यहाँ पे आते नहीं हैं, बहुत कम ही आना होता है हमारा। तो बस यहाँ पे जो भी कपड़े सूखे हुए हैं वो भी उठाकर मैं नीचे ले जाऊँगी। और अभी मुझे झाड़ू पोछा मैंने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि छोटे वाला बेटा जो है वो स्कूल जाना था, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया है, तो बस उसे ही करवाया। और उसे स्कूल भेजने के बाद ही सबसे पहला काम मैंने गेहूँ का ही किया है, क्योंकि आटा भाई ज़रूरी है। तो जी, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान पड़ा है उसे सेट कर लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे नीचे कपड़े मैंने ऐसे ही फैला के रख दिए हैं, अभी पहले झाड़ू पोछा करूँगी और फिर अगर दुकान पे कोई आ गया तो फिर ये काम मेरा छूट जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है जी, दिन भर अपना जो भी काम है। जी, सभी को मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और फिलहाल तो मैं इस टाइम दुकान पर जा रही हूँ, उसके बाद ही देखेंगे जितना वीडियो बनेगा, क्योंकि पहले दुकान घर के जो काम है वो हो चुके हैं। छोटे वाला बेटा भी स्कूल गया है और बड़े वाले की है छुट्टी, छुट्टी तो नहीं है लेकिन वो नहीं गया है आज। तो पहले तो मैं दुकान पर चलती हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं, आलू रखे हैं उबलने के लिए, सब्जी के लिए। तो तब तक मैं दुकान पर चलती हूँ। हाँ जी, तो अभी आई हूँ दुकान से और इस टाइम 4:30 हो रहे हैं, तो पहले बनाऊँगी चाय, उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी भी करनी है, देखते हैं क्या बनाते हैं रात को। तो फिलहाल तो पहले चाय बनाएंगे। और यहाँ पे ना सड़क में आवाज़ें आती रहती हैं, जैसे ऑटो वगैरह चलते हैं ना। तो जी, यहाँ पे जो कपड़े फैला रखे थे मैंने, वो मम्मी जी और इन्होंने तह लगा के रख दिए हैं, तो जैसे भी लगाए हैं बढ़िया हैं, और अच्छा भी लगता है ऐसे अगर कोई साथ में काम करता रहे, और काम भी बढ़ जाता है। फिर अकेले अकेले क्या क्या काम करेंगे, क्योंकि दुकान का भी होता है। दुकान से मैं अभी आई हूँ, दुकान पर भी मेरा ही काम होता है, क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह डालनी होती है, थ्रेडिंग वगैरह करनी होती है। बैठने को तो बच्चे बैठ जाते हैं, ये भी बैठ जाते हैं, पापा जी भी बैठे होते हैं, लेकिन काम तो मेरा ही है। तो फिलहाल इन्होंने कपड़ों को फोल्ड कर दिया है, तह लगा के रख दिया है, और यहाँ पर मैंने चाय भी बना दी, और साथ के साथ ही कुछ सब्जियां आई हुई थी बाहर से, जो हमारे रिश्तेदार हैं पहाड़ में,
तो हमारे चाचा जी हैं तो उन्होंने भेजी थी ये शिमला मिर्च वगैरह, और यहाँ पे जो पहाड़ी आम है वो भी वो भेजी हैं बुआ जी ने, तो मैंने इन्हें भी धोकर रख दिया है, क्योंकि जब हम किचन में आते हैं ना तो फिर होता ही है साथ के साथ जो भी काम करते रहें ठीक है, जितना भी निपट जाए। तो यहाँ पर चाय भी बन चुकी है, आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। तो चाय पीने के बाद जी मैं यहाँ पे प्याज वगैरह काट रही हूँ, सब्जी की तैयारी हो रही है, और साथ ही जो ये पपीता बुआ जी ने दिया था ये मम्मी जी के लिए, तो फिर साथ के साथ वो भी काट रही हूँ। तो प्याज वगैरह तो मेरे यहाँ पे मैंने छील कर रख लिए हैं, और पहले पपीता काट दूँगी और मम्मी जी पापा जी इनको ही दूँगी ये, तो बस यहाँ पर पपीता काट कर रख दूँगी। और सब्जी भी बनानी है, बीच बीच में मैं यहाँ पे बाहर ही आकर बैठी हूँ, क्योंकि दुकान पर कोई आ जाता है ना तो फिर एकदम से जाना पड़ता है, और इस टाइम बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और ये भी नहीं है यहाँ पे, तो पापा जी हैं तो पापा जी मुझे आवाज़ लगा देते हैं जब भी दुकान पर कोई आता है। तो पापा जी का ये फ़ायदा है कि चलो बाहर बैठे हैं, कोई नहीं तो मुश्किल हो जाता है, सारा काम छोड़कर ना हमें बाहर बैठना पड़ता है दुकान पर, तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जैसे पापा जी आप लोग भी खा लीजिए पपीता, दुकान पर आ रहा कोई, दुकान पे आया है कोई, उसके बाद ही बनाऊंगी फिर सब्जी। तो जी अभी आई हूँ मैं दुकान से, और पहले सब्जी बना लेती हूँ। तो सब्जी वगैरह यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, और आलू मम्मी ने ही छीले हैं, काफ़ी टाइम लगा मम्मी का क्योंकि मैं दुकान पर चली गई थी, तो ये छोटे छोटे आलू हैं, काफ़ी टाइम लगा इसमें, ये पहाड़ी आलू हैं जो, तो बस यहाँ पे इतना काम मेरा कम कर दिया था मम्मी ने। तो बस यहाँ पे फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर दुकान पे कोई आ जाएगा तो फिर मुझे बीच में ही छोड़कर जाना पड़ेगा, और अपना तो कुछ नहीं, देखो बुज़ुर्गों को तो टाइम पर चाहिए खाना पीना जो भी होता है, बच्चों की तरह होते हैं बुज़ुर्ग भी। तो बस जो भी मेरा डेली का काम है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो कैसी लगती है आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो जी शाम के बज रहे हैं 7, और सब्जी बना दी है मैंने, आलू बड़ी की सब्जी बनाई है आज, आलू और बड़ियाँ सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो, और बस रोटी बनाऊंगी अभी, जूत वगैरह भी चलानी है। बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का शायद व्यूज़ देखकर, और मैं बात कर रही हूँ, मैं वीडियो देखती हूँ विलेज ब्लॉगर ज्योति जी की, तो पाखी जी की भी देखती हूँ जो उनकी भाभी हैं, लेकिन मैं ज्योति जी के बारे में, ज्योति जी की वीडियो देखकर ना वैसे हिम्मत मिलती है, वैसे मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का क्योंकि व्यूज़ नहीं आते, लेकिन जब मैं उनकी वीडियो देखती हूँ ना तो फिर उन्हें देखकर थोड़ी हिम्मत सी आ जाती है, क्योंकि देखो जिन हालातों से वो गुजर रहे हैं, उनकी वीडियो जो भी देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि कितनी हिम्मत वाली हैं वो, अकेले बच्चों को संभालना, घर भी संभालना, और जैसे अपने मायके में भी आते हैं तो वहाँ पे भी पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, यानी कि, और वीडियो भी उनके डेली आती है उनकी वीडियो भी, तो कैसे कर लेती हैं वो, बहुत हिम्मत चाहिए भाई। मुझे तो पता नहीं, खुद पे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आलस करती हूँ वीडियो बनाने में भी, वैसे तो देखो वो किसी के लिए नहीं है, खुद के लिए है हम जो भी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि चैनल तो तभी चलेगा, लेकिन ऐसी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है जैसे ज्योति जी में है। तो वैसे वीडियो अच्छा बनाते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं वो, काफ़ी हिम्मत वाली हैं, जो जैसे उनकी आजकल लाइफ में चल रहा है, पिछले काफ़ी दिनों से मैं उनकी वीडियो देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी हिम्मत को देखकर कि भाई यूट्यूब पे भी अगर हम जो बातें करते हैं ना, चाहे मैं हूँ, अगर मैं भी बातें करूँगी किसी के बारे में तो करना आसान है बातें, लेकिन जो करता है उसे पता होता है, वीडियो पे सॉरी यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी आसान नहीं है, और अपने दम पे फिर कोई भी अपने दम पे 1000 सब्सक्राइब करना और वो टाइम करना, क्योंकि मुझे पता है मैंने खुद चैनल खोला है तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है, तो बोलना आसान है भाई, करना बहुत मुश्किल है। ज्योति जी की हिम्मत के लिए तो मैं दांत देती हूँ भाई, क्योंकि उनकी हिम्मत बहुत है, उनमें हिम्मत, क्योंकि अकेले वीडियो बनाना, बच्चों को भी संभालना, शायद दुकान पर कोई आया है, आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों को भी संभालना, और काफ़ी मेहनती भी हैं, देखो घर का भी पूरा उन्होंने देख लो, जब पीछे थी उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं, तो फिर भी काफ़ी हिम्मत वाली हैं वो, जो यूट्यूब पे वीडियो भी बना रही हैं, अपना घर भी चला रही हैं, और साथ के साथ बच्चों को भी देख रही हैं, और तो मायके में भी वो जाते हैं तो वहाँ पे भी अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करती हैं, तो ऐसी हिम्मत लाना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि मेरी खुद की जो बात है, मैं खुद आलस कर जाती हूँ, जैसे दुकान से आई हूँ या फिर दुकान पे जाकर जैसे मैं थक जाती हूँ,
तो फिर घर आकर मन नहीं करता है। वैसे तो घर में ही है, दुकान पास ही है, लेकिन फिर भी अंदर बाहर दुकान का चलता रहता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर साथ में घर का काम भी हो, और यूट्यूब का वीडियो बनाना आसान है, एडिटिंग करना, उसे अपलोड करना तो बहुत ही मुश्किल है, काम है। ऐसा नहीं है कि आसान है भाई, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। और खुद की हिम्मत से चैनल को बढ़ाना, खुद की हिम्मत से अपने 1000 सब्सक्राइब पूरे करना, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना, तो चलिए कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में जो भी है जैसा भी है, लेकिन फिर भी ज्योति जी के बारे में मैं अच्छा ही कहूँगी, क्योंकि वो जो अच्छा है उसके बारे में अच्छा ही बोला जाता है। ज्योति जी काफ़ी हिम्मत वाली हैं। फिलहाल तो अभी चलते हैं, जी तो बना ली है मैंने, बस अब बनानी है मुझे रोटी और जोत भी जलानी है, तो आटा वगैरह लगा कर रख लूँगी। उसके बाद फिर देखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमें भी मौका मिले आगे बढ़ने में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में।